बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी हिंदी रीडर। हिंदी रीडर में पढ़ाऊंगी मैं आपको चैप्टर थ्री। चैप्टर थ्री का नाम क्या है बच्चों? जन्मदिन। क्या नाम है बच्चों? जन्मदिन। बच्चों, जन्मदिन क्या होता है आप लोगों को पता है ना? आपका बर्थडे आता है ना, आप लोगों को पता होगा जिस दिन आप पैदा होते हो उसको क्या बोलते हैं? जन्मदिन। आप जब 1 ईयर के हो जाते हो या 2 ईयर के हो जाते हो, जब आपको बनाया जाता है ना बर्थडे, उसी को क्या बोलते हैं? जन्मदिन। हम स्टार्ट करते हैं। आज जयश्री का जन्मदिन है। बच्चों, किसका जन्मदिन है? जयश्री का। जयश्री किसका नाम है? एक लड़की का। किसका नाम है? लड़की का। आज जयश्री का जन्मदिन है। वह बहुत खुश है। वो क्या है बच्चों? बहुत खुश है। सुबह से घर में तैयारी हो रही है। सुबह से जयश्री घर में क्या हो रही है? तैयारी हो रही है। आज छुट्टी है इसलिए। सुबह से घर में क्या हो रही है बच्चों? तैयारी हो रही है। किस लिए? आज छुट्टी है इसलिए। पिताजी भी घर में हैं। आज छुट्टी है इसलिए कौन घर में है? पिताजी। ये कौन है बच्चों? जो पिक्चर ये दे रखी है, ये कौन है? पिताजी भी घर में हैं। माताजी सुबह से बड़ा कमरा साफ़ कर रही हैं। ये कौन है बेटा? जयश्री की माताजी। ये क्या कर रही हैं? बड़ा कमरा साफ़ कर रही हैं। पिताजी खिड़कियों के पर्दे ठीक कर रहे हैं। पिताजी क्या कर रहे हैं? खिड़कियों के पर्दे ठीक कर रहे हैं। ये क्या है बच्चों? खिड़कियों के पर्दे, ठीक है। ये उनकी माताजी हैं, ये उनके पिताजी हैं। ये खिड़कियों के पर्दे सही कर रहे हैं और ये क्या कर रही हैं? कमरे की सफाई कर रही हैं, ठीक है बच्चों। विजय जयश्री का बड़ा भाई है। विजय कौन है बच्चों? जयश्री का बड़ा भाई। वह बाजार से, ये क्या है बच्चों? सबको पता है क्या है ये? बताइए। गुब्बारे। क्या है ये? गुब्बारे। वह बाजार से गुब्बारे लेकर आया। बेटा, यहाँ जो वह है, वह किसके लिए यूज़ किया गया है? विजय के लिए। किसके लिए यूज़ किया गया है? विजय के लिए। वह बाजार से क्या लाया है? गुब्बारे लेके आया है। उसने गुब्बारों में हवा भरी। उसने क्या करा? ये क्या है बच्चों? गुब्बारे। इसमें क्या करी है उसने? हवा भरी है। फिर गुब्बारे दीवार पर लटका दिए। हवा भर के उसने क्या किया बच्चों? गुब्बारे क्या लटका दिए? दीवार पर लटका दिए। उसने हरी पीली झंडियाँ, ये क्या है? उसने हरी पीली झंडियाँ भी लगा दी। उसने क्या करी है? हरी पीली झंडियाँ भी लगा दी। पिताजी ने भी इसमें सहायता की। पिताजी ने भी क्या किया? जो विजय है उसने जो तैयारी करी है, झंडियाँ लगाई हैं, गुब्बारे लटकाए हैं दीवार पर, उसमें क्या किया है? पिताजी ने उसकी सहायता की है। सहायता समझते हो ना? हेल्प की है, ठीक है, मदद। देखिए, दोपहर को पिताजी बाजार गए। बेटा, ये कौन है? पिताजी। ये कहाँ गए हैं? बाजार। वे वहाँ से, ये क्या है बच्चों? यम्मी यम्मी देखने में, क्या है ये बताइए? केक। क्या है ये? केक। वह बाजार से केक, और ये क्या है? सब बच्चों को पसंद है बहुत ज़्यादा, चॉकलेट। क्या है ये? चॉकलेट। वह बाजार से केक और चॉकलेट लाए। शाम को कुछ और मेहमान भी आए। शाम को क्या हुआ? कुछ और मेहमान आए। विवाह और चेतन जयश्री के साथ पढ़ते हैं। बेटा, आपकी क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं, जो आपके दोस्त पढ़ते हैं, वो आप लोगों के दोस्ती तो हुए, जो आपके साथ स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वो क्या हुए? क्लासमेट्स आपके? दोस्त हुए। तो विवाह और चेतन जयश्री के साथ पढ़ते हैं, वह भी आ गए। विवाह और चेतन जयश्री के साथ पढ़ते हैं तो वह उसके बर्थडे में आए। किसके बर्थडे में आए? जयश्री के बर्थडे में आए। पिता, विवाह और चेतन ने जयश्री को एक, बच्चों ये क्या है? सही बच्चे बताइए। जब आपका जन्मदिन होता है, जब आपको पेरेंट्स देते हैं, आपके जो गेस्ट आते हैं, रिश्तेदार, वो भी आपको देते हैं, क्या है ये? गिफ्ट। गिफ्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? उपहार। क्या बोलते हैं? उपहार। उपहार दिया। इसके बाद जयश्री ने केक काटा। ये क्या है बच्चों? केक। क्या किया जयश्री ने? केक काटा। आप लोगों का जन्मदिन होता है जब आप भी काटते हो ना केक, फिर सबने तालियां बजाई। सबने क्या करा? तालियां बजाई और क्या बोला? जन्मदिन की बधाई। क्या कहा? जन्मदिन की
बधाई आपसे बोलते हैं ना जब आपका बर्थडे का सॉन्ग बजाते हो, आप लोग सॉन्ग बजता है जब आप लोगों का केक कटता है, जब बोलते हैं ना हैप्पी बर्थडे टू यू, ऐसे इसमें बोला क्या है, जन्मदिन की बधाई। विवाह ने एक गीत गाया, विवाह ने क्या किया, एक गीत गाया, किसके जन्मदिन पर गाया, जयश्री के जन्मदिन पर। इसके बाद चेतन ने भी एक गीत गाया, क्या किया, इसके बाद चेतन ने भी गीत गाया। तो बच्चों बताइए किस किस ने गीत गाया, विवाह ने गीत गाया और चेतन ने गीत गाया। गाना बजाना देर तक चलता रहा, जो गाना बजाना बजाने का जो प्रोग्राम था वो क्या हुआ, काफ़ी देर तक चलता रहा। अंत में पिताजी ने सबको धन्यवाद दिया, अंत में जो पिताजी हैं उन्होंने क्या किया, सबको धन्यवाद दिया। अब देखिए बच्चों पेज नंबर 54 पे आ जाइए, चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है, ठीक है। अब करेंगे हम बुक एक्सरसाइज, ये वाला है सही चित्र पर सही चिन्ह लगाकर चित्र का नाम लिखिए। मैंने आप लोगों को चैप्टर में पढ़ाया था ना, विजय बाजार से क्या लेके आया था, क्वेश्चन वन क्या है, विजय बाजार से क्या लाया था बच्चों, मैंने बताया था विजय बाजार से क्या लेके आया था, बताइए इसमें से क्या लेके आया, ये लेके आया या ये लेके आया, फिर ये लेके आया, देखो तरबूज लेके आया या फिर आइसक्रीम लेके आया या फिर गुब्बारे लेके आया, बताइए सभी बच्चे क्या लेके आया, विजय बाजार से गुब्बारे लेके आया, क्या लेके आया, गुब्बारे, ओके। क्वेश्चन सेकंड देखो, पिताजी बाजार से डैश क्या लेके आए, बताइए बताइए क्या लेके आए, क्या लेके आए थे, केक, क्या लेके आए थे, केक, वेरी गुड। विवाह और चेतन ने जयश्री को दिया, क्या दिया था, क्या दिया था विवाह और चेतन ने जयश्री को, उपहार, उपहार, क्या दिया था, उपहार, ओके बच्चों। अब क्वेश्चन फोर देखिए, उचित स्थान पर उचित मात्रा लगाकर शब्द बनाइए। कमर, कमर, अब कमर तो कोई वर्ड नहीं हुआ, इसमें हम आ की मात्रा लगा क्या बनाइए, कमरा, क्या हो गया ये, कमरा, ओके। अब इसमें देखिए दवर, दवर तो नहीं है कोई वर्ड, हमारे जो चैप्टर में वो क्या थी, क्या था, दीवार, द, द पे बड़ी की मात्रा, वा, वा पे आ की मात्रा, रा, दीवार, ऐसे पल, पल तो कोई वर्ड नहीं है तो क्या हुआ, पीली, पीली झंडियाँ थी ना, हरी पीली झंडियाँ मैंने आपको बताया था, तो ये क्या हो गया, पीली, पा, पा पे बड़ी की मात्रा, ला, ला पे बड़ी की मात्रा, ये क्या हो गया, पीली, पीली। इसी तरह से देखिए चतन, चतन तो कोई नहीं था, क्या था, चेतन, क्या था, चेतन, वेरी गुड। अब देखिए सभा, सभा तो कोई नहीं था, सभा कोई बर्ड तो नहीं था ना चैप्टर में हमारा, क्या था, सुबह, क्या था, सुबह। सा, सा पे छोटे ऊ की मात्रा, बा और हा, ये क्या हो गया, सुबह। हर, मैंने बोला था ना हरी पीली झंडियाँ, पीली यहाँ आ गया तो यहाँ क्या आ जाएगा, हरी, क्या आ जाएगा, हरी। परत, परत तो कोई वर्ड नहीं था, क्या था वहाँ पे, पर्दे, क्या था, पर्दे। गत, गत नहीं था, मैंने बताया ना विवाह ने और चेतन ने क्या गाया था जयश्री के जन्मदिन पर, गीत, क्या गाया था, गीत, वेरी गुड। अब ये देखिए आपके यहाँ होता है ना भाभी जी, तो भाभी जी किसको बोलोगे, भाई की जो वाइफ होगी उसी तो आप भाभी जी बोलोगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, भाई, क्या लिखेंगे, भाई, ये कौन है, भाई। मामी जी, मामी जी तो क्या हो गया यहाँ पे, मामा जी, क्या करना है, मामा जी, वेरी गुड। दादाजी, ये कौन है बेटा दादाजी की वाइफ, तो इन्हें क्या बोलेंगे, दादी जी, हो गया, ओके, ओके बच्चों। सभी बच्चे अपने अपने हिंदी की नोटबुक ओपन कर लें, कर ली, ओके। हम उसमें सबसे पहले कराएंगे कठिन शब्द,
नंबर वन ठीक है।
बच्चे राम ने गीत गाया, राम ने गीत गाया। मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया था, चैप्टर थ्री जब मैंने बोला था ना, विभा ने गीत गाया, चेतन ने गीत गाया, बोला था ना मैंने आपसे, ऐसे इसमें किसने आया, राम ने गीत गाया। आप लोग ऐसा कर सकते हो, जैसे यहाँ पे गीत है तो आप में ये, मैंने जो राम नाम लिखा है ना, इसमें आप कोई भी नाम लिख सकते हो, विभा भी लिख सकते हो, चेतन भी लिख सकते हो, विजय भी लिख सकते हो, इसमें कोई भी नाम चेंज कर सकते हो। राम ने गीत गाया, या ऐसे लिख सकते हो विभा ने गीत गाया। ओके बच्चों, गुड। नंबर थ्री, खुश। अब हमें किसका यूज करना है, खुश का यूज करना है, किसमें, वाक्य प्रयोग में। कैसे करेंगे, जैसे उस दिन बहुत ज्यादा खुश थे, जिस दिन उसका जन्मदिन था, मैंने आपको चैप्टर में रीड कराया था ना, जैसे बहुत ज्यादा खुश थी, हम इसमें किसी का भी नाम लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा इसमें सीता बहुत है। आप इसमें कोई भी नाम लिख सकते हो, जैसे मैंने इसमें लिखा है सीता बहुत खुश है। आप इसमें और कोई नाम लिख सकते हो, जैसे आप इसमें लिखते हो लक्ष्मी या राधा, एक्स वाई जेड कोई भी नाम लिख सकते हो। ओके बच्चों, नंबर फोर, शाम। नंबर फोर क्या है, शाम। शाम का क्या बनाएंगे आप, शाम हो गई, शाम हो गई। आप लोग कभी मार्केट जाते हो या कहीं जाते हो, वहां से लौटते में आपको देर हो जाती है, तो आप बोलते हो ना कि शाम हो गई, रात हो गई, या हम लेट हो गए, बोलते हो ना उस तरीके से। यहाँ पर भी क्या बनाया, शाम का, शाम हो गई। वेरी गुड, मेरे साथ रिपीट करो एक बार। नंबर वन, कमरा। कमरा का क्या होगा, कमरा साफ है। नंबर टू, गीत। राम ने गीत गाया। नंबर थ्री, खुश। सीता बहुत खुश है। नंबर फोर, शाम। शाम हो गई। वेरी गुड, सभी बच्चों ने नोट डाउन किया, गुड। अब हम करेंगे इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर। सभी बच्चे नोट करेंगे मेरे साथ, प्रश्न उत्तर हेडिंग डालिए। हेडिंग डालिए सभी बच्चों ने, प्रश्न फर्स्ट। प्रश्न फर्स्ट है हमारा, आज किसका जन्मदिन है, आज किसका जन्मदिन है। मैंने आपको चैप्टर में रीड कराया था ना, किसका जन्मदिन है, जयश्री का। किसका है, जयश्री का। वेरी गुड, आज जयश्री का जन्मदिन है। गुड बच्चों, सबने लिखा, सभी ने नोट किया, आज किसका जन्मदिन है, आज जयश्री का जन्मदिन है। सभी बच्चे बोल बोल कर नोट करेंगे। वेरी गुड, प्रश्न टू देखो, बाजार से गुब्बारे कौन लाया,
बताओ बच्चों, बाजार से सुपारी कौन लाया, कौन लेके आया था? वेरी गुड, कौन लाया था? विजय लाया था। विजय कौन था? जयश्री का कौन था? भाई। विजय कौन था जयश्री का? भाई। बाजार से गुब्बारे विजय लाया। बाजार से गुब्बारे कौन लाया? बाजार से गुब्बारे विजय लाया। वेरी गुड। प्रश्न 3 देखो। विभा और चेतन ने जयश्री को क्या दिया? बताइए सही बच्चे, विभा और चेतन ने जयश्री को क्या दिया? जल्दी से बताओ। वेरी गुड, विभा और चेतन ने जयश्री को उपहार दिया। क्या दिया? उपहार, गिफ्ट। वेरी गुड। विभा और चेतन ने जयश्री को उपहार दिया। विभा और चेतन ने जयश्री को उपहार दिया। हमेशा सही बच्चे एक बार रिपीट करेंगे। प्रश्न फर्स्ट, आज किसका जन्मदिन है? आंसर, आज जयश्री का जन्मदिन है। किसका जन्मदिन है? जयश्री का। वेरी गुड। प्रश्न 2, बाजार से गुब्बारे कौन लाया? बाजार से गुब्बारे कौन लेके आया? बाजार से गुब्बारे विजय लाया। बाजार से गुब्बारे कौन लाया बच्चों? विजय। कौन लेके आया था? विजय। वेरी गुड। प्रश्न 3, विभा और चेतन ने जयश्री को क्या दिया? विभा और चेतन ने जयश्री को क्या दिया? विभा और चेतन ने जयश्री को उपहार दिया। क्या दिया बच्चों? उपहार दिया। ये देखिए सभी बच्चे, नंबर फर्स्ट से ये है कठिन शब्द, ओके। अब देखिए ये है वाक्य प्रयोग, ओके। और ये है प्रश्न उत्तर, ओके। वेरी गुड।